है 13 नवंबर और आज यर्काउड ट्रिप का दूसरा दिन है। अभी हम यर्काउड में हैं। यर्काउड में एक ग्रीन वुड रिजॉर्ट करके है और सुबह के 9 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट यहाँ पे अवेलेबल था और अब निकलते हैं सीधा बेंगलोर के लिए। तो ये ट्रिप इतनी ही थी, पहले दिन बेंगलोर से यर्काउड आए, दूसरे दिन और जो पहले दिन का बाकी टाइम था कुछ हिल मतलब कुछ घूमने की जगह थी ठीक ठाक, कुछ व्यू पॉइंट थे जिसमें कुछ व्यू दिख तो नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा बादल था, तो वो देखा। और आज सुबह उठ के बस ब्रेकफास्ट किया और यहाँ से निकल रहे हैं। होटल की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। तो वही सुबह के 9 बजे हैं, अब सामान पैक करते हैं और बाइक में चलते हैं सीधा। चलें, सब रेडी? मौसम देख रहे हो कितना सही हो गया है। जस्ट कुछ देर पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, इतने ज़्यादा बादल और बारिश, अब बारिश होने लगी और कोहरा बहुत ही भयंकर। चलो निकला जाए अब। अभी हम यर्काउड से उसके हिल्स क्रॉस कर चुके हैं और अब नीचे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सेलम से 7-8 किलोमीटर पहले। पीछे की तरफ पूरा यर्काउड का पहाड़ है, नहीं है अब यहाँ से कुछ रह गया है 200 किलोमीटर बेंगलोर, 220 किलोमीटर, 4 घंटे दिखा रहा है और टाइम हो गया 10:40। तो मेरे ख्याल से 3 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, ब्रेक्स भी लेंगे। तो निकलते साथ ही बारिश हो रही थी, लगता है वहाँ उसकी हवा नहीं हुई। ठीक है, चलो चलते हैं।
नहीं ठीक है ठीक है ठीक है वो कह रहा आगे क्या मस्त लोकेशन मिली है बाइक के सामने काफी कंटेंट ये तो काफी दूर तक स्ट्रेट ही है ना अब तो सब पूरा सीधा सीधा समझ में तेरे को ऐसे ही आता जाएगा मैप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी